हरे कृष्णा। तो आज कल और परसों तीन दिनों में मैं ये जो मोहिनी मूर्ति की लीला है उसके बारे में चर्चा करूँगा। आज ये जो लीला है भागवत में दो विभागों में है, आठवें स्कंद के आठवें अध्याय में पहले आती है और बारहवें अध्याय में दूसरे बार आती है। आठवें स्कंद में मोहिनी मूर्ति कैसे असुरों का को मोहित करती है बताया गया है और बारहवें स्कंद में कैसे वो शिवजी उसके द्वारा मोहित हो जाते हैं उसका वर्णन आता है। तो हम ये दोनों विभाग चर्चा करेंगे। तो ये जो बारहवें अध्याय का ये जो पहला श्लोक है इसमें सार बताया गया है कि जो ऐसे हुआ था और ये वार्ता सुन के शिवजी वहाँ पे चले गए। तो अभी नौवें और दसवें अध्याय में क्या है कि जो देवताओं और असुरों में जो युद्ध हुआ है उसके बारे में वर्णन आता है और कैसे जब देवता हारने लग गए, असुर उन पर हावी होने लगे तो भगवान स्वयं आ गए और भगवान ने देवताओं की मदद की, उसका वर्णन आता है। तभी भगवान के अलग अलग अवतार हैं और भागवत के पहले स्कंद में बताया गया है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो सागर की लहरों के समान है, अनंत है। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो उसके अनेक कारण होते हैं। कुंती महारानी अपने प्रार्थनाओं में कुछ कारण बताती है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि केच्छिदाहो रजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। कुछ लोग कहते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज थे उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए वो प्रकट हुए। कुछ और लोग कहते हैं कि वास्तव में कंस के वध करने के लिए प्रकट हुए। तो कहते हैं ऐसे अलग अलग लोग कहते हैं और वो कहते हैं अंत में भगवान कैसे प्रकट होते हैं हमारे लिए, वो जो है हमें कुछ लीला श्रवण करने का मौका मिल सके जिसके द्वारा हम शुद्ध हो सके। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्याकामकर्मभिः श्रवण स्मरणार्हनि करिष्यन् इति केचन। कि हम उनके लीला का श्रवण करके शुद्ध हो इसके लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इस तरह से भगवान के प्रकट होने के अलग अलग कारण हैं। तो भगवान जब मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं तो उसके बारे में हम दो कारण देखेंगे। एक तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो एक होता है कि परित्राणाय साधुना विनाचार्य धर्मस्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। वो तो उद्देश्य होता ही है उनका कि धर्म की संस्थापना करनी और जो धर्म के विरुद्ध है उनको बाजू को हटा देना और जो धर्म के अनुसार है उनको प्रस्थापित करना। तो यह लगभग हर एक भगवान के अवतार का उद्देश्य होता है। पर उसमें जो प्रसंग होता है वो अलग अलग होता है और एक प्रासंगिक कारण होता है और एक आध्यात्मिक या दिव्य कारण होता है। तो अभी सबसे पहले हम ये प्रासंगिक कारण देखेंगे जो प्रसंग के आधार पर है। जब देवता और असुर जो है उनमें युद्ध हो रहा होता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये भौतिक जगत है यह इसमें हमेशा संघर्ष चलते रहता है। निसर्ग में देखते हैं तो लोग कभी कभी कहते शहरों में रहते हैं तो निसर्ग में आते हो कहते हैं यहाँ पे बहुत शांति सुकून मिलती है। एक तरह से सही है वो, पर हम निसर्ग में रहते हैं तो निसर्ग में बहुत क्रूरता भी है। जब एक शेर एक हिरण के पीछे भाग रहा होता है वो हिरण को काट के खा जाएगा। तो जब जंगल में जैसे इंग्लिश में लॉ ऑफ द जंगल कहते हैं, जंगल का ना कानून मतलब जो सबसे शक्तिशाली है जो सबसे फिट है वह दूसरों को हरा देता है। तो ऐसे नहीं है कि निसर्ग केवल एक शांति सुकून है उसमें, वो है पर निसर्ग में एक क्रूरता भी है। वास्तव में क्रूरता नहीं कह सकते, निसर्ग का नियम है। तो अगर कोई दसवीं मंजिल से नीचे कूद जाता है और टूट जाता है तो हम इसको ये नहीं कहेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम क्रूर है, नहीं वो उसकी मूर्खता है क्योंकि वो ऐसे उतर गया वो कूद गया वो। तो उसको क्रूरता हम तभी कहते हैं जब वास्तव में कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसे कर रहा है, जब दूसरे को दर्द देने के लिए वो कोई ऐसे करता है तो उसको क्रूरता कहते हैं। पर जानवर जो है स्वाभाविक रूप से वह कुछ खाना चाहते हैं और उनके लिए निसर्ग के अनुसार जीवो जीवस्य जीवनम ऐसे है कि एक जीव दूसरे जीव के लिए अन्न होता है। तो अभी जब इस तरह निसर्ग का ही नियम है तो हाँ निसर्ग में एक तरह से दर्द भी भरा होता है, भय भी भरा होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च। इनमें से जो है आहार हम बीच बीच में करते हैं, निद्रा बीच बीच में करते हैं, मैथुन भी बीच बीच में करते हैं, पर जो भय होता है वो लगभग हमेशा रहता है। कभी भय काफ़ी हो जाता है,
जब हम महसूस करते हैं, कभी कभी भय एक बैकग्राउंड में रहता है, पार्श्वभूमि में रहता है, पर रहता ही है। तो ये कहने का उद्देश्य है कि जब देवता और असुरों में संघर्ष संघर्ष बताया गया है, संघर्ष हर जगह पे होता है। वो लोगों में संघर्ष होता है, समूहों में संघर्ष होता है, धर्मों में संघर्ष होता है, राष्ट्रों में संघर्ष होता है। तो इस तरह से अगर कोई ऐसे अभी लोग कहते हैं कि क्या है कि ये इस धर्म का है, मैं हम इस धर्म के इसलिए झगड़ा हो रहा है, ये इस राष्ट्र का है, हम इस राष्ट्र के इसलिए झगड़ा हो रहा है, या ये इस प्रांत का है, मैं इस प्रांत का हूँ इसलिए झगड़ा हो रहा है, ये इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, भक्तों में हो सकता है ये इस गुरु का शिष्य है, मैं इस गुरु का शिष्य हूँ इसलिए झगड़ा हो रहा है, वास्तव में ये कारण नहीं है। अगर कल सुबह एक चमत्कारिक रूप से हम सब उड़ जाएंगे और हम सब में जो भेद है सब निकल जाएंगे, एक चमत्कार हो गया, हम सब एक ही राष्ट्र के हैं, एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही सब कुछ, हमारे जो भेद करने वाली चीज़ें हैं वो सब निकल जाएगी, तो कल दोपहर तक हम भेद निकालेंगे और झगड़ा करने लग जाएंगे। क्या है ये जो भेद वो है, उसके कारण झगड़ा नहीं होता है, वो भेद जो है वह एक ट्रिगर है, वह एक उत्तेजक है। पर झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि लोग रजोगुण तमोगुण में होते हैं। जब तक रजस और तमस है जगत में, कुछ ना कुछ कारण निकल के झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अभी देवता और असुर में झगड़ा क्यों होता है, क्योंकि एक तरह से देवता और असुर दोनों रजोगुण में है। वास्तव में देवता जो है धार्मिक है, और उनमें फर्क है, फर्क जो है हम देखेंगे विस्तार से आगे। पर देवता और असुरों में युद्ध होता है, दोनों भौतिक चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, पर देवता जो है उनको भगवान ने भौतिक चीज़ें दी है कुछ, जिससे कि वो धर्म का प्रस्थापना करके जो जो ब्रह्मांड है उसका अनुशासन कर सके। और जो असुरों को भी भगवान ने कुछ जगह दी है, पर वो उससे ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। तो अधिकांश रूप से झगड़े होते हैं, वह जो असुर होते हैं वह जो उनको इलाका दिया है उससे ज़्यादा इलाका प्राप्त करना चाहते हैं, इससे झगड़े होते हैं। तो हम कई बार ऐसे होता है कि दो लोगों में झगड़ा होता है तो दोनों की गलती होती है, पर ऐसे नहीं है कि हर समय दोनों की 50% ही गलती होगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति के 99% गलती हो सकती है, दूसरे की 1% गलती हो सकती है। तो देवता और असुरों में झगड़ा जब होता है तो युद्ध उतर आते हैं, तो कभी कभी जो असुर होते हैं वो देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो फिर जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो फिर देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान मदद करते हैं, पर अलग अलग पद्धति से मदद करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम अभी ये तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है, तुम संधि कर लो, तुम अभी युद्ध मत करो। अभी जब संधि करते हैं तो अभी भाव क्या होता है कि हमें युद्ध टालना है। और कई बार जो व्यक्ति संधि का प्रस्ताव आगे रखता है वह कमज़ोर माना जाता है कि तुम संधि चाह रहे हो, मतलब तुम युद्ध करने से डरते हो। अभी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, उसके लिए एक तरह से नम्रता लगती है संधि का प्रस्ताव करने के लिए। और उसके साथ साथ दूसरा जो पक्ष है उसका शोषण भी कर सकता है। तो कई बार जब संधि होती है तो संधि में जो जो टर्म्स जो शर्तें रखी जाती है वो कभी शर्तें ऐसी होती है कि उससे अगला युद्ध अनिवार्य हो जाता है। एक व्यक्ति को लगता है मेरा इतना शोषण हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को लगता है मुझे कुछ मिला ही नहीं इसमें। तो फिर यहाँ पे जो संधि होती है तो भगवान कहते हैं कि तुम जो देव असुर बोलते हैं वो मान लोगे। तो फिर उससे संधि जब करते हैं तो असुरों को उसमें क्या फ़ायदा है, बोलते हैं कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो। अभी जब हम भेद होते हैं कुछ लोगों में, दो लोगों में भेद होता है, तो क्या होता है कि हमें क्या हम दोनों में समान है वो देखना है पहले, जो उससे हम शुरू करते हैं। तो फिर जो भी भेद है वह फिर बाद में देख सकते हैं। दो व्यक्तियों में भले ही 99% भेद हो, पर अगर 1% समानता है तो उस समानता से शुरू करना चाहिए बात। उस समानता से जब बात शुरू करते हैं तो फिर वो 99% जो भेद है उसको हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देवताओं ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं आप चाहते क्या है, आप अमृत चाहते हैं। अभी सब देवता हो या असुर हो, असुर भी चाहते हैं कि हमें अमर बनना है, अमर बनने के लिए हम अमृत चाहिए। तो वो कहते हैं
कि आपको अमृत चाहिए, हमारे पास कुछ अमृत है, पर हमारे पास जो अमृत है आप हमको हरा के वो प्राप्त करोगे, उससे बेहतर अमृत है वो दूसरी जगह पे है, और वो प्राप्त करने के लिए हमें साथ काम करना चाहिए। वो अमृत कहाँ है? कहाँ है वो? हाँ, समुद्र में, क्षीर सागर के वो तल, उसमें उसको मंथन करना पड़ेगा उसका। तो ये सुनते, अच्छा तो अभी क्या होता है, वो उनका जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ राज्य प्राप्त करने नहीं होता है, राज्य प्राप्त करके अमरत्व प्राप्त करना है। और जब देवता उनको दिखा देते हैं कि आपको अमरत्व प्राप्त करने का दूसरा मार्ग भी है, तो फिर वो सोचते हैं हाँ ये तो अच्छा है, तो वो संधि करके फिर दोनों वो अमृत मंथन करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो संधि करनी है तो उसमें हमें देखना है कि दोनों का उद्देश्य क्या है। अभी क्या होता है, कई बार लोग उनको लगता है कि इसका उद्देश्य ये है कि मुझे ये सेवा करनी है, उनको भी यही सेवा करनी है, ठीक है, तो अभी द्वंद हो जाएगा, उसमें झगड़ा हो जाएगा, पर ठीक है आप ये सेवा करना क्यों चाहते हो? और मुझे ये सेवा करेंगे तो मुझे इस वर्ष भक्त का संग मिलेगा, ठीक है, पर अगर ये आपको चाहिए फिर आपको ये संग ऐसे भी मिल सकता है। तो क्या होता है कि हम जब किसी का कोई कार्य को देखने की जगह पे उनका उद्देश्य समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर जो जो झगड़े हैं उनका हम हल निकालने के और अग्रसर हो सकते हैं। When actions are conflicting, we need to go to the intentions that are conquering, that are agreeable. तो जब ऐसे करते हैं हम, तो जो द्वंद्व के कार्य है उसके परे जाकर जो उद्देश्य है उसमें क्या समानता है वो देख सकते हैं, उद्देश्य की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में जब अभी तो विशाल जो विस्तारित लीला है उसमें पूरा नहीं जाऊँगा मैं, पर वो अमृत मंथन चालू कर देते हैं। और अमृत मंथन का बड़ा प्रयास करने के बाद, बड़े संघर्ष, बड़े परेशानियों के बाद अंत में अमृत प्राप्त होने लगता है। अभी क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति संधि करता है तो संधि में एक चीज होता है कि विश्वास होना, क्योंकि दो व्यक्ति अगर साथ में कुछ कार्य करने वाले हैं तो विश्वास रखना होता है उसमें। तो अभी असुरों का उद्देश्य क्या होता है, अभी असुरों का उद्देश्य होता है अमृत प्राप्ति करना, पर इसमें क्या होता है कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो, क्योंकि अधिकांश दृष्टि से वो स्वार्थी होते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इसलिए क्या होता है वो न केवल देवताओं से युद्ध करते हैं पर वो असुर एक दूसरे के बीच में भी युद्ध करने लगते हैं। तो इसीलिए अभी जब संधि होती है तो तभी तो योजना होती है कि बलि महाराज और इंद्र में बात होती है, तो फैसला होता है कि हम जो अमृत आएगा वो साथ में हम निकालेंगे। पर ये क्या होता है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है, खुद के केंद्र, तो फिर क्या होता है वह जो समानता देख ही नहीं पाता है। तो अभी क्या होता है, कुछ असुर होते हैं वो ऐसी योजना कर लेते हैं कि जैसे ही अमृत मिल जाएगा तो फिर वो अमृत हम छीन लेंगे। तो क्या होता है जब ऐसे होता है तो अभी सब असुरों का ऐसा छल करने का उद्देश्य हो शायद होगा भी नहीं, क्योंकि असुर भी होते हैं कि सब उतने ही असुरी प्रवृत्ति के नहीं होते, अलग अलग लोगों में भी अलग अलग असुर दर्जे की असुर की प्रवृत्ति होती है। तो जैसे दैवी लोग होते हैं, अलग अलग लोग भी अलग अलग उनकी दैवी प्रवृत्ति होती है। तो जब ये अमृत अंत में प्राप्त हो जाता है, धन्वंतरी आते हैं भगवान के प्रतिनिधि अमृत लेके, तो असुर वो उसको पकड़ के छीनने लगते हैं। और भी उस समय भगवान जब कहते हैं, तुम देवताओं से पहले कहा होता है कि तुम्हारा इस समय तुम्हारा अनुकूल नहीं है, मतलब क्या है कि इस समय असुर तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और जब असुर तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो फिर तुम असुर से युद्ध नहीं कर पाओगे, तुम जीत नहीं पाओगे। तो अभी ये बड़े बड़े महाकाय शक्तिशाली और धूर्त असुर होते हैं वो अमृत छीन लेते हैं, और फिर छीन कर वो खुद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और वो असुरों में बांटने की बात छोड़ दो, वो क्या है कि मुझे खुद को ही चाहिए। तो ये जो होता है भाव, अभी बांट कर जो भी है लेना वह एक तरह से सत्व का भाव है। हम रजस में भी शायद बांट के लेते हैं, पर रजस में बांट के इसलिए लेंगे क्योंकि अगर मैं तुम्हारा हिस्सा लूँगा तो तुम मेरा हिस्सा लोगे, तो इसलिए तुम मेरा हिस्सा मतलब मैं तुम्हारा हिस्सा ही लूँगा।
तो रजस में वह एक कोई ऐसे तत्व के आधार प्रिंसिपल्स के आधार पर नहीं होता है, वो प्रैक्टिकली होता है. मैं जब अमेरिका में था, एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था, मैं कंपनी में इंटेल में लेक्चर दे रहा था, कि क्या आप कहते हो जो नैतिकता होती है वो सिर्फ आस्तिक लोगों में होती है, क्या नास्तिक लोग नैतिक नहीं हो सकते हैं, कांट इमोरल पीपल बी गुड. मैं बोला हाँ हो सकते हैं, कई बार ऐसे हो सकते हैं कि आस्तिक लोग भी चोरी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो आस्था है किस प्रकार की आस्था है, केवल एक बाह्य आस्था है या वास्तव में भगवान में विश्वास है, समझते हैं कि भगवान के सामने मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, या सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है नास्तिक लोग भी अच्छे हो सकते हैं, नैतिक हो सकते हैं. पर नास्तिकता में जो नैतिकता होती है उसका कोई मूल, उसका कोई आधार नहीं होता है. वो नास्तिक लोग नैतिक क्यों रहते हैं, इसलिए कि अनैतिक हो जाएंगे तो फिर हमको समस्या आ जाएगी. क्या होगा, हम लोग झगड़ा करने लगे, लोग मेरा हिस्सा तुम छीन लोगे, तुम्हारा हिस्सा मैं छीन लूँगा, तो इसीलिए हमें नैतिक रहना चाहिए. तो इट इज़ अगर कल ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मैं तुमसे कुछ छीन सकूं और तुम कुछ नहीं कर सके, तो फिर नास्तिक रहने की ज़रूरत क्या है. ऐसे नहीं है कि सब नास्तिक लोग अनैतिक हो जाएंगे, क्योंकि नास्तिक भी लोग होते हैं, उनमें भी कुछ लोग सत्व में हो सकते हैं, कुछ रजस में हो सकते हैं, कुछ तमस में हो सकते हैं. उनका तत्वज्ञान जो है वो एक तरह से उसमें नास्तिक है, वो तमस है. पर व्यक्ति का तत्वज्ञान उसके जीवन का केवल एक ही पहलू होता है, व्यक्ति के विचार तत्वज्ञान के अनुसार ही उनका गुण जो होता है वो निर्धारित नहीं होता है. भगवद्गीता भागवत में बताते हैं कि कोई भक्त हो सकता है पर वो तमोगुण में भक्ति कर रहा है. मतलब क्या है, भक्ति तो दिव्य है पर उनका बाकी जो कार्य है, चरित्र है, उनका जो जीवन है वो तमोगुण में चल रहा है. ये कैसे है, ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है. कैसे कि जो हम सब के कुछ व्यवहारिक मूल्य होते हैं और हमारे कुछ अल्टीमेट अंतिम मूल्य होते हैं, देर ऑपरेशनल वैल्यूज एंड अल्टीमेट वैल्यूज. ऑपरेशनल वैल्यूज मतलब मैं मेरे जीवन में कैसे जीने वाला हूँ, और अल्टीमेट वैल्यू मतलब मैं किस लिए जी रहा हूँ. तो इसका उदाहरण है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो जब गाड़ी चला रहा है तो कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है पर गाड़ी कहाँ जानी है मुझे पता ही नहीं है. और अभी लोग गाड़ी चलाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से गाड़ी चलाते हैं, कोई बहुत अच्छा चलाते हैं, कोई ओके ओके चलाते हैं, कोई जब गाड़ी चलाते हैं तो बाकी लोग गाड़ी से दूर रास्ते से दूर चले जाते हैं, ये इतना खतरा होता है वहाँ पे, कुछ लोग गाड़ी चलाना आता ही नहीं है फिर भी चला रहे होते. तो उस तरह से हम सब जो है, हमारी गाड़ी चलाने की जो क्षमता है वह हमारे एक तरह से गुणों द्वारा निर्धारित होती है. तो अभी जब कोई तमोगुण में है, रजोगुण में है, सत्वगुण में, मतलब क्या है, वो अपने शरीर और मन का इस्तेमाल अलग अलग पद्धति से करता है. तमोगुण में है तो एक विनाशकारी रूप से इस्तेमाल पर होता है, सत्वगुण में है तो वो अच्छी तरह से सकारात्मक रूप से रचनात्मक रूप से करता है उसका इस्तेमाल. तो अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी बहुत बुरी चलाता है पर उसको कहाँ जाना है ये रास्ता पता चल गया अभी, तो अभी वो गाड़ी को उस दिशा में ले तो जाएगा, पर फिर भी जब वो गाड़ी चला रहा है तो ऐसे नहीं कि सिर्फ दिशा पता कर चल गई, उससे गाड़ी चलाना भी अच्छा हो जाएगा, वो दोनों अलग चीज़ें हैं. तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम भक्तों से बातचीत करते हैं, भक्त ऐसा बर्ताव करते हैं, ऐसे भक्त कैसे कर सकते, इससे बेहतर तो मेरे अभक्त मित्र है, वो ऐसे कभी एक बर्ताव नहीं करते. तब ये कैसे हो रहा है कि हमें तुलना करनी है, जो भक्त है उसको अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य पता है. पर क्या है, हर एक आत्मा जो है अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, पूर्व संस्कारों के अनुसार अलग अलग गुणों में स्थित है. तो कोई नास्तिक या भौतिक व्यक्ति हो सकता है वह पूर्व कर्म से शायद सत्व में है, मतलब शायद धर्म का कुछ नकारात्मक अनुभव आ गया इसलिए अभी नास्तिकवादी बन गए हैं वो, पर वो शायद सत्व में हो सकते हैं. और जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है बाह्य रूप से वो तमस में हो सकता है. तो अगर वो व्यक्ति तमस में है, उनका जीवन दिव्य उद्देश्य से चल रहा है, पर अभी जैसे जीवन जी रहे हैं वह एक नकारात्मक रूप से हो सकता है. तो इसलिए क्या होता है, जो व्यक्ति के हम सब भक्त जो है, अभी हमको अंतिम उद्देश्य पता चल गया है, पर एक व्यवहारिक रूप से हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सत्व में आ गया हूँ.
हमारा जीवन वास्तव में सत्व में है कि हमारे हम किस तरह से बातचीत करते हैं, हम किस तरह से वार्तालाप करते हैं, ये समझना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपके जो शिष्य हैं उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं दे आर परफेक्ट जेंटलमैन एंड लेडीज, वो अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं। प्रभुपाद जी ने नहीं कहा कि मेरे शिष्य जो है चार नियमों का पालन करते हैं, वो 16 माला जप करते हैं, वो रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, विग्रहों की पूजा करते हैं, ये सब सत्य है। पर यह हम करते हैं, इसकी दुनिया को क्या परवाह है? तुम कितना जप करते हो नहीं करते हो उससे मुझे क्या लेना देना है? तुम किसकी पूजा करते हो उससे मुझे क्या लेना देना है? मुझे दुनिया क्या देखने वाली है? दुनिया देखने वाली कि हम बर्ताव कैसे करते हैं लोगों से, हम किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से हम वार्तालापों में हम रहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह से कि हमें जो है अच्छी तरह से बर्ताव भी करना है। अच्छी तरह से बर्ताव मतलब हमारे भक्ति से करने के बाकी समय बाकी जगहों में भी अच्छी तरह से बर्ताव करना है। तो यहाँ पे मैं ये सब उद्देश्य इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि जो असुर होते हैं असुरों की भी दर्जा होती है। तो कुछ असुर जो उन्होंने संधि बनाई थी वो अच्छी तरह चलने वाले थे, उनको कहते हम सब बांट के लेंगे, पर कुछ असुर थे कि नहीं हमको ही पूरा चाहिए। और वो असुर में झगड़ा हो गया, अभी जो देवतागण हैं वो बाजू में रह गए, अभी क्या करें। और वो भगवान को याद करने लगे, भगवान का स्मरण कर लिया उन्होंने, और तभी भगवान वहाँ पे एक विलक्षण रूप में आ गए। और वो कौन सा रूप था? मोहिनी मूर्ति। अभी यहाँ पे क्या है, जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है तो भौतिकवादी व्यक्ति को जब किसी मन को किसी एक चीज़ से आसक्ति हो जाती है तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा रहा है, उसको बोलो कि अभी आप ये मत खाओ। क्यों मत खाओ, मैं खाने वाला हूँ। तो उसको अगर उससे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना दे देंगे तो फिर वो ठीक है मैं खाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति से कुछ स्पोर्ट्स मैच देख रहा है, उसको बोला अभी आप मत देखो, नहीं नहीं मुझे देखना है, तो उसको तभी बताते हैं कि एक नया मूवी रिलीज हो गया, ये चालू हो गया। अच्छा मूवी ठीक है, स्पोर्ट्स छोड़ो मूवी देखो। तो क्या है, ये दोनों हम ये उदाहरण देते हैं कि कई बार हायर टेस्ट होता है, जो उच्च स्वाद होता है वो मिल जाएगा तो नीचे का स्वाद चला जाएगा। तो ये नीचा और ऊंचा स्वाद जो होता है वो केवल आध्यात्मिक ऊंचा स्वाद और भौतिक ऊंचा स्वाद ऐसे नहीं होता है। क्या होता है कि भौतिक स्वादों में भी कुछ ऊंचा हो सकता है, कुछ नीचा हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अभी जैसे मैं बताया था कि उनको स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, पर कोई मूवी चालू हो गया तो स्पोर्ट्स छोड़ो भी मूवी देखो। तो ऐसे क्या होता है कि जो असुर होते हैं वह अभी उस अमृत से इतने मोहित हो गए, उसके स्वाद से, उसके प्रभाव से इतने आकर्षित हो गए, इतने मोहित हो गए कि उसको छोड़ना नामुमकिन है। तो उनको उनकी दृष्टि में एक हायर टेस्ट क्या है कि एक आकर्षक रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो अभी जब वो इतना मेहनत किया है, इतना प्रयास किया, इतना संघर्ष किया, अभी अमृत मिल गया है, पर जब भगवान इतने आकर्षक रूप में आ जाते हैं तो भगवान जानते नहीं भगवान है, पर यही केवल एक आकर्षक स्त्री है। वह देख के क्या होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मायामेकम शरणम व्रज सीधा वो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जो होता है उनके सामने जब मोहिनी मूर्ति सबके सामने चलने लगती है, आकर चलने लगती है, तो कैसे होता है कि ये सारे असुर दिखाने का प्रयास करते हैं कि अभी हम सब जेंटलमैन हैं, अभी हम सब अच्छे व्यक्ति, सारा झगड़ा बंद कर देते हैं और अमृत बाजू में रख देते हैं। एक असुर ने अमृत पकड़ा होता है, पकड़े रहते हैं। और फिर क्या, कई बार जब वो सब मोहिनी को देखने लगते हैं, मोहिनी चलने लगते हैं, और अभी देवता भी मोहिनी के रूप को देख आकर्षित होते हैं। तो जो है आकर्षण जो है वह एक तरह से स्वाभाविक है, पर आकर्षण के बाद में क्या कार्य करते हैं। जो व्यक्ति जो ऐसे नहीं है कि जो धार्मिक व्यक्ति और अधार्मिक व्यक्ति है, कुछ सुंदर चीज़ कोई सुंदर व्यक्ति होगा तो उसे आकर्षण तो आ जाएगा। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो आकर्षण पे कार्य करके धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। जो अधार्मिक व्यक्ति होता है इतना आकर्षक है छोड़ भूल जाओ सब कुछ। तब जो असुर होते हैं वो उसके द्वारा क्या होते हैं, वह जब आकर्षित होते हैं तो वो मोहिनी को खुद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो अभी कैसे प्राप्त करें, तो तभी
अभी सपने संघर्ष चल रहा होता है और वो मोहिनी देख रही होती है, उनके और देख के हंस रही होती है, तो स्मित कर रही होती है। तभी सारे असुर सोचते हैं कि अभी हम सब में झगड़ा चल रहा है, ये झगड़े का हल कैसे करें। तो वो मोहिनी को वो अमृत का जो पॉट होता है, जो पात्र होता है, उसको दे देते हैं। फिर कोई व्यक्ति बोले, ऐसे कोई कैसे कर सकता है, कैसे कोई कर सकता है कि जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया वो किसी को दे दो। एक तरह से क्या होता है कि हम सब अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं स्वीट टॉकर्स। स्वीट टॉकर मतलब वो इतने मधुरता से बात करते हैं कि वो व्यक्ति जो भी, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ भी मांग लेगा और वो दूसरा व्यक्ति दे देगा। जो ऐसे कहते हैं जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो इतने दक्ष होते हैं कि वो नरक का इतना गुणगान करेंगे कि व्यक्ति नरक को जाने के लिए उत्साही हो जाएगा। सो इस तरह से जो कुछ हर एक व्यक्ति, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग प्रतिभाएं होती है। तो कुछ लोगों के पास इस तरह से बोलने की प्रतिभा होती है कि व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि को भूल के वो जो भी बोलेगा वो करने को तैयार हो जाता है। तो ये जो है कुछ लोगों के पास रूप होता है ऐसे। तो क्या हम सब दूसरों को, एक दूसरे को देखते हैं तो हम सब कुछ एक दूसरे का इम्प्रेशन होता है हमारा। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत आकर्षक हो जाता है तो हमारा मन जो होता है कि वो आकर्षण से इतना मोहित हो जाता है कि हमें लगता है कि ये व्यक्ति इतना आकर्षक है, इसका मतलब है इस व्यक्ति का सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये व्यक्ति विश्वास पात्र भी होगा। अभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो बात अलग है। पर और ये तो साधारण मनोविज्ञान है, पर यहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो फिर वह तो जब कोई भी आकर्षक रूप लेंगे तो बहुत ही दिव्य रूप से उनका वह रूप आकर्षक हो जाएगा। तो इस आकर्षक रूप के साथ जब वो उनको, वो उनसे पात्र स्वीकार कर लेते हैं, तो तभी अभी क्या होता है, ये सारे असुरों का उद्देश्य हो जाता है कि हमें जो है मोहिनी को इम्प्रेस करना है। अभी उसको हमको मुझे प्राप्त करना है, तो वो उसको मुझे हासिल करना है, तो वो मुझे अच्छा समझना चाहिए। तो इसलिए मोहिनी क्या करती है, जो वो असुरों को आंखों से उनके देख रही है, मुंह से स्मित कर रही है, और फिर वो कहती है कि तुम दोनों कतार में बैठ जाओ। देवता एक जगह बैठ जाते हैं, असुर दूसरी जगह बैठ जाते हैं। और जब इस तरह से बैठ जाते हैं तो फिर वो अपने आँखों से देख रही है, हंस रही है उनकी ओर, और फिर वो जो अमृत है देवताओं को देने लगती है। और वो असुरों को क्या कर रही है, वो असुर इतने मोहित हो गए कि अपने दृष्टि से उनके ओर देख रही है, तो उनके लिए लग रहा है यही अमृत है, तो वो उस अमृत को भूल जाते हैं। तो एक है बुद्धि का लक्षण है, इंटेलिजेंस मीन्स टू नेवर लूज पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स, एंड फूलिशनेस मीन्स टू लूज पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है और किस चीज़ को कितना मुझे ध्यान देना है, यह समझना बुद्धिमत्ता है। और जो बुद्धिमत्ता का अभाव मतलब क्या है कि किस चीज़ का कितना महत्व है यह समझना भूल जाना। तो मान लीजिए कोई ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग करते समय कोई बाजू में व्यक्ति बैठा, अरे वो देखो अभी कोई बच्चा बैठा होगा, ये देखो अभी जो माता है या पिता ड्राइव कर रहे, इधर देखते उधर देखते, तो एक दो पल के लिए देख लेंगे, बच्चा उधर ही ताकते रहेगा, पर जो माता पिता जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो उस तरह से इधर उधर देखते ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है ड्राइविंग करते समय आगे देखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आजू बाजू क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं, पर उसको महत्वपूर्ण क्या है आगे देखना, और आजू बाजू थोड़ा देख सकते हैं। पर कोई व्यक्ति आगे देखना भूल के दूसरी ओर ज़्यादा देखने लगते हैं तो फिर क्या होता है, वो समस्या आ जाएगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवतगीता के 10वें अध्याय में, इंटेलिजेंस मीन्स टू सी थिंग्स इन देयर प्रॉपर परस्पेक्टिव, उचित मात्रा में देखना। तो अभी जो असुर होते हैं वो ऐसे मोहित हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमें महत्वपूर्ण क्या है। तो मोहिनी को देखते जाते हैं, और जब देखते जाते हैं इस तरह से, तो मोहिनी सारा जो अमृत है वह देवताओं को ही वितरित कर देती है। और तभी हम जानते हैं राहु केतु जो होते हैं, दो असुर होते हैं, वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और फिर मोहिनी मूर्ति तुरंत अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके वो उनको वो अमृत से
वांछित कर देती है. और जब इस तरह से वो वांछित हो जाते हैं तो बाद में अमृत खत्म हो जाता है, सारे देवता पान कर लेते हैं तो असुर उत्तेजित हो जाते हैं. और तभी एक्चुअली तभी वो असुर उत्तेजित नहीं होते जब तक वो मोहिनी को देख रहे हैं वो उससे मोहित हो गए. और फिर उनके सबके सामने मोहिनी चलते 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 दूर चली जाती है और फिर अदृश्य हो जाती है. और जब अदृश्य हो जाती है तभी असुर क्या हो गया ये, अरे सारा अमृत खत्म हो गया. और फिर वो क्रोध में आके युद्ध करने लगते हैं, आक्रमण करने लगते हैं. तो यहाँ पे बाद में जब युद्ध होता है तो देवता असुर को हराने लगते हैं, फिर असुर देवता को हराने लगते हैं, फिर भगवान वापस पकड़ हो जाते हैं, फिर भगवान पकड़ होकर असुरों का वध कर देते हैं और तभी देवता जीत जाते हैं. पर यहाँ पे तो ये मैंने प्रासंगिक बताया कि मोहिनी मूर्ति कैसे प्रकट हो जाती है वहाँ पे. पर भगवान एक तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि वो हर रूप में प्रकट होते हैं. एक स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं तो स्त्री का जो आकर्षत्व है वो आकर्षण जो है वो इतना इतना भगवान जिस भी रूप में प्रकट हो गए उसमें वो अपना जो दिव्य महिमा है वो दिखा देते हैं. तो स्त्री के रूप में प्रकट होते हैं तो वो इस तरह से आकर्षक रूप में आते हैं कि सारे असुर पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं. और आगे अगला विभाग में देखते हैं कि कैसे शिव जी भी उनके द्वारा मोहित हो जाते हैं. पर उन दोनों में भाव बहुत अलग होता है. तो जब असुर जब मोहित हो जाते हैं तो अभी भगवान ने जब ऐसे किया तो मोहित किया असुरों को, तो क्या भगवान सीधा युद्ध करके देवताओं के पक्ष में युद्ध करके वो असुरों को नहीं हरा सकते थे? भगवान जरूर हरा सकते थे. पर भगवान यहाँ पे दर्शाते हैं कई चीज़ें. एक चीज़ यह है कि कैसे मैं बताया कि भगवान हर रूप में प्रकट हो सकते हैं. हर रूप में भगवान को प्रकट होने का स्वराट है वो. दूसरा है कि भगवान दिखाते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ से आकर्षित अगर हो जाते हैं तो हम उसके द्वारा मोहित हो सकते हैं, और जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है वो भी मोह के कारण उसको छोड़ सकते हैं. और फिर इस तरह से लीला करके जैसे कुंती महारानी बताती है कि भवेस्मिन क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी, कि हम इस भौतिक जगत में भगवान की लीला का श्रवण करके हम दिव्य आनंद प्राप्त करके हम भगवान की ओर प्रगति कर सकते हैं. तो भगवान लीला इसलिए भी करते हैं कि हम सब उसके को श्रवण कर सकें. उन सब के साथ साथ भगवान ये दर्शाते हैं कि अभी क्या भगवान ने एक तरह से अनैतिकता की यहाँ पे, कि उन्होंने जो अमृत था वो तो समान रूप से बांटना था और फिर उन्होंने देवताओं को सब बांट दिया. तो क्या भगवान यहाँ पे पार्शियल थे? क्या भगवान यहाँ पे भेद कर रहे थे? यहाँ पे ये एक विस्तार का सब विषय है, पर मैं संक्षिप्त में बोल के इसका अंत करूँगा कि क्या है. तीन प्रकार के शास्त्र में बताया, तीन प्रकार के नैतिकता होती है और नीति होती है. तो कहते हैं बृहस्पति नीति, शुक्र नीति और कणक नीति. तो बृहस्पति नीति क्या है कि आप हमेशा अच्छा कार्य, अच्छा उद्देश्य कार्य करो और अच्छा कार्य करो. जो शुक्र नीति क्या है कि आप आपका जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए जो भी करना है आप करो. आपका पर जो कणक नीति जो है वो ऐसा है कि तुम्हारा जो स्वार्थ है उसको पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो. तो शुक्र नीति जो है कणक, जो बृहस्पति नीति, अच्छा उद्देश्य और अच्छा कार्य. शुक्र नीति जो है अच्छा उद्देश्य. अभी शुक्र भी, शुक्राचार्य जो भी है वो भी क्या है, वो असुर है, असुरों के ब्राह्मण है पर फिर भी वो ब्राह्मण है. तो इसका मतलब क्या है कि जब अभी बाद में हम देखेंगे कि जब बलि महाराज राजा बन जाते हैं तो शुक्राचार्य क्या करते हैं, उनको यज्ञ करने को बोलते हैं. शुक्राचार्य उनको ये नहीं बोलते कि आप विध्वंस करो, क्या करते हैं, आप यज्ञ करो. तो वह जो है असुरों का जो उद्देश्य होता है और उनका कार्य होता है. तो अभी असुर अपने इंद्र तृप्ति का ही उद्देश्य रखने वाले, वो उसको बदलने वाले नहीं हैं. पर धर्म के मार्ग पर आओ और धार्मिक पद्धति से तुम उसको प्राप्त करने का प्रयास करो. तो वो उद्देश्य हर व्यक्ति अपना अपना बनाएगा पर मार्ग कैसे ले सकते हैं. पर जो कणक नीति होती है वो क्या कि तुम
जो भी उद्देश्य तुमको तुम्हारी इच्छा के लिए पूरा करना है पूरा करो, और जिसके लिए दो मार्ग चाहिए वो भी स्वीकार करो। तो क्या होता है, जो व्यक्ति भी षठो साठ्यम मतलब कि अगर कोई व्यक्ति धूर्त होता है तो उसके साथ कभी कभी धूर्तता ज़रूरी होती है, हमेशा नहीं है, हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें उचित कार्य करना चाहिए। पर उचित कार्य करने का ये मतलब नहीं है कि दूसरा व्यक्ति अगर बेईमानी कर रहा है तो उस बेईमानी से हम फंस जाए। टू बी प्रिंसिपल्ड डज नॉट मीन टू बी फूलिश। तो हमें हमारे मूल्यों के अनुसार जीना है, पर इसका मतलब नहीं कि हमें मूर्खता करनी है। तो षठो साठ्यम का मतलब क्या है कि दूसरा व्यक्ति अगर कुछ चालाकी करता है तो शायद हमको उनके साथ जो भी ज़रूरत है वो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमेशा उस तरह से हम कार्य करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, असुरों ने सबसे पहले चालाकी की थी। क्या उन्होंने कहा था कि हम विभाजन करेंगे, हाँ हम जो अमृत प्राप्त करेंगे विभाजन करेंगे, पर उन्होंने विभाजन नहीं किया, खुद प्राप्त करने का प्रयास किया। तो फिर जो उन्होंने देवताओं के साथ करने का प्रयास किया भगवान ने वो उनके साथ कर दिया। पहले भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि द्यूतम छलयताम अस्मि, अगर कोई बेईमानी करना चाहता है तो मैं सबसे बड़ी बेईमानी उनके हाथ कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो नैतिकता है, ऐसे नैतिकता ये सही है ये गलत है ये ऐसे सत्य है, पर उसके साथ साथ परिस्थिति के अनुसार भी हमें देखना होता है। परिस्थिति में साधारण सत्य बोलना अच्छा है, गलत झूठ बोलना गलत है, पर अगर सत्य बोलने से किसी का बुरा परिणाम हो रहा है, कोई आतंकवादी किसी को पीछा कर रहे हैं और हमारा मित्र है हमारे घर में आके वो हम छिपता है और वो आतंकवादी पूछते हैं क्या तुम्हारे घर में है, वो कहते हम सत्य बोलेंगे। तो सत्य बोलना अच्छा है, पर उस परिस्थिति में सत्य बोलने से खराब हो सकती है, खराब परिणाम हो सकता है। तो इसीलिए जो सही गलत है वो केवल एक दो ये बक्सा सही का ये बक्सा गई का अलग ऐसे नहीं है, वो बक्सा कहाँ है मतलब किस परिस्थिति में हम कार्य कर रहे हैं वह भी देखना है हमें। और वह देख के जब हम कार्य करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कि कैटेगोरिकल एथिक्स और कॉन्टेक्चुअल एथिक्स। कैटेगोरिकल एथिक्स मतलब ये जो चीज़ है ये कैटेगरी जो है यह सही है और ये कैटेगरी है ये गलत है। सही सत्य बोलना सही है, झूठ बोलना गलत है, ये एक तरह से सही है, पर उतना ही नहीं है। उसके साथ साथ क्या है कि हमें परिस्थिति भी देखनी है। तो परिस्थिति के अनुसार जब असुर असुरी प्रवृत्ति से कार्य कर रहे होते वो चालाकी करते हैं, तो भगवान मोहिनी मूर्ति रूप से दिखाते हैं कि अगर आप चालाकी करना चाहते हो तो मैं सबसे बड़ी चालाकी कर सकता हूँ। तो जो इस तरह से भगवान हमें इस भौतिक जगत में व्यवहारिक रूप से किस तरह से जीवन जीना है उसकी भी एक सीख देते हैं। तो सारांश में चर्चा की आज की, किस मोहिनी मूर्ति के अवतार के बारे में चर्चा की, और यहाँ पे मैंने देखा सबसे पहले कि जो युद्ध होता है देवता असुर में ही नहीं है, वो हर जगह पे युद्ध होते रहता है, निसर्ग में संग्राम होते रहता है, और मानव में जब झगड़ा होता है उसके कुछ कारण हो सकते हैं, पर वो बाह्य कारण है। जो प्रवृत्ति है रजोतमोगुण में जब तक होगी तब तक बाह्य कारण निकल भी जाएगा तो दूसरे बाह्य कारण आके संघर्ष होने लगेगा। और जब देवता और असुर संधि कर लेते हैं तो संधि का कैसे करते हैं कि उन देव असुर का उद्देश्य क्या है, सिर्फ देवताओं को हराना नहीं है, स्वर्ग प्राप्त करानी है, उसके द्वारा उनको अमृत प्राप्त करके अमरत्व प्राप्त करना है। तो जब लोगों में झगड़े होते हो तो उसमें समान उद्देश्य क्या है अगर वो देखते हैं, वो कार्य क्या है देखने की जगह पे, तो फिर हम उसके द्वारा जो समय जो कुछ समझावट या संधि के ओर अग्रसर हो सकते हैं। और बाद में जब संघर्ष के अंत में जब असुर प्राप्त कर लेते हैं वो अमृत, तो फिर क्या होता है वो एक दूसरे में झगड़ा करने लगते हैं। तो असुरों को भी हम सब एक नहीं मानना चाहिए, असुरों में भी दर्जा होता है, कुछ असुर बहुत असुरी होते हैं कुछ कम असुरी होते हैं। तो मैंने उसमें विस्तार से चर्चा की कैसे होता है कि नास्तिक लोग भी नैतिक हो सकते हैं पर उनकी नैतिकता को कोई अंतिम आधार नहीं है। तो हमारे जो गुण होते हैं प्रकृति के तीन गुण, उसके द्वारा हमारे व्यवहारिक मूल्य निर्धारित होते हैं, किस तरह से हम गाड़ी चला रहे हैं, और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमारा अंतिम उद्देश्य प्राप्त होता है, पता चलता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो हमें भले ही अभी कहाँ जाना है पता चल गया, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप गाड़ी अच्छी तरह चला रहे हैं। गाड़ी अच्छे से चलाने का भी हमें प्रयास करना चाहिए, वो सीखना है।
तो इससे हमें प्रयास करना है कि हम सत्वगुण में आके जीवन जी सकते। प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे शिष्य जो है वह उचित प्रवर्ताव करते, जेंटलमैन है, लेडीज एंड जेंटलमैन है। और तो जो असुर थे वह असुरी प्रवृत्ति के कारण एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए। जब मोहिनी आ गई तो क्या हो गया, अमृत एक प्रकार की इंद्रवृत्ति थी और मोहिनी दूसरे प्रकार की इंद्रवृत्ति थी, तो उनको भगवान इस रूप में इसलिए आ गए क्योंकि उनके लिए ये और आकर्षक था, तो उन्हें वो छोड़ दिया। तो जब हम किसी चीज़ से बड़े मोहित हो जाते हैं तो बुद्धि का मतलब यह है कि हम किसी भी एक चीज़ से इतना ज़्यादा जो उसे इसको इतना ज़्यादा महत्व देना कि बाकी सब चीज़ों का दुर्लक्ष्य कर देना, ऐसे होता है। वो बुद्धि उसे बुद्धि उसे हम अबुद्धिमान हो जाते हैं, बुद्धिमान नहीं रहते हैं। और जब भगवान ने इस तरह से असुरों को मोहित किया, उससे वो सिखाते हैं कि क्या कि हमें अगर कोई शठो शाठ्यम, अगर कोई व्यक्ति चालाकी करता है तो कभी कभी उनके साथ भी चालाकी करनी ज़रूरी है। उसके द्वारा हमें चालाक नहीं बनना है, पर हमें हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए जो भी ज़रूरी है वो करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है? यस। ठीक है, अगर किसी का उद्देश्य अच्छा है पर उनका बर्ताव बराबर नहीं है, हमें दुख होता है उनके बर्ताव के द्वारा, परेशानी होती है, तो फिर अभी थोड़ा हमें व्यवहारिक देखना है कि कभी कभी कुछ दूरी पर हम रह सकते हैं, कि डिफरेंट रिलेशनशिप्स वर्क बेस्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। क्या है कि अलग अलग संबंध है वो अलग अलग करीबी या दूरी पे अच्छे से कार्य करते हैं। तो हर एक संबंध के लिए हमें जो उचित दूरी है उसको निर्धारित करना है। तो मैं एक मंदिर में गया था, वहाँ पे एक बहुत वरिष्ठ और बहुत बहुत वेल नोन विख्यात भक्त थे, तो उनके बारे में वो मैं बाकी दूसरे भक्त पास कर रहा था कि तो एक भक्त बताए थे, ही इज़ अ वंडरफुल डिवोटी टू एडमायर फ्रॉम अ डिस्टेंस। वो बहुत बढ़िया भक्त है दूर से उनका आदर करने के लिए, कि पास में जाओगे कार्य करना है, सेवा करना है, तो थोड़े डिमांडिंग हो जाते हैं, तो फिर कभी कभी जमता नहीं है। तो भी कुछ भक्त हैं उनका जमता है उनसे, तो वो भक्त जो है उनके साथ सेवा करते हैं, दूसरे भक्त जो है दूर से उनको एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तब ये अच्छा नहीं है एक तरह से कह सकते हैं हम, पर हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। तो हमें ये देखना है किसी भी व्यक्ति के किसी भी भक्त के प्रति हमें अपराध नहीं करना है। अपराध मतलब क्या है, उनके बारे में बुरा नहीं बोलना है, उनको कोई गुणगान कर रहा है तो उनकी कमी नहीं दिखाना है, उनको नीचे नहीं खींचना है हमें। पर कैसे है कि ये मानव दिस इज़ जस्ट ह्यूमन नेचर, ये मानव स्वभाव है कि कुछ लोग के साथ काम कर सकते हैं, कुछ लोग के साथ काम नहीं कर सकते। तो अगर काम नहीं कर सकते तो थोड़ा दूरी रख सकते हैं, और फिर हम अपनी सेवा कर सकते हैं, वो उनकी सेवा कर सकते हैं। पर अगर हमें ज़रूरी है कि सेवा के साथ में कार्य करना ही है, तो फिर हम दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर जो भक्त उनकी कदर करते, उनकी सराहना करते, उनके बारे में कुछ अच्छा देखते, तो उनका संग करके उनके बारे में क्या अच्छा है समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि हमारे दृष्टि से इसने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे कैसे कर सकता है, तो क्या होता है हमारी जो दृष्टि है उनकी उस तरह से प्रभावित हो जाएगी। तो जो उनके बारे में दूसरे पहलू देख सकते हैं वो हमें यह दूसरा पहलू दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम उनको हमारे एक दो आदान प्रदान के आधार पर उनको एक ऐसे बक्से में डाल देंगे कि ये व्यक्ति ऐसे ही है, ठीक है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है, पर ये व्यक्ति क्या दूसरी जगह पर बहुत अच्छे भी व्यक्ति है ये, तो वो देख सकते हैं। इस तरह से हम एक सकारात्मक भाव ला सकते हैं। और दूसरा है कि कभी कभी हमको थोड़ा भक्तों के संग में रहने के लिए थिक स्किन्ड बनना पड़ता है। थिक स्किन्ड मतलब क्या है कि थोड़ा मोटी चमड़ी वाला बनना पड़ता है। मोटी चमड़ी वाला मतलब कि क्या है, कभी कभी थोड़ी निंदा, थोड़ी दुर्लक्ष या थोड़े बुरे शब्द कुछ सुनना, वह सहन करने की क्षमता भी होनी पड़ती है हमको। क्या होता है कि
हम सबको हमारे जीवन में पूर्व कर्म के अनुसार कुछ दुख आने वाले हैं, कुछ सुख आने वाले हैं. तो अभी ये सुख होते हैं, दुख सुख दुख होते हैं, वो आध्यात्मिक क्लेश हो सकता है, आधि भौतिक क्लेश हो सकता है, आधि दैविक क्लेश हो सकता है. तो अभी अगर हम अधिकांश रूप भक्तों के संग में रह रहे हैं तो हमारा जो आधि भौतिक क्लेश का कोटा है वो कहाँ से पूरा होने वाला है? वो भक्तों से ही होगा. तो हमको अगर कुछ आधि भौतिक क्लेश आने वाला है वो भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्तों के द्वारा ही आएगा. तो इस तरह से क्या है कि उसको सहन करने की थोड़ी क्षमता बढ़ानी है हमको. तो वो किस हद तक हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वह थोड़ा हमें हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्षमता हो सकती है वो, तो वह हमें देखना है. पर हम जो मैं यहाँ कोई व्यक्ति दूसरा कुछ भी बोले मैं अपनी सेवा करते रहूँगा, कुछ ऐसे बोले मैं कैसे सेवा करूँ, तो ये मेरी क्षमता है तो यहाँ से मैं इतना आ सकता हूँ, कोई यहाँ पे वहाँ से उतना जा सकते हो. तो कहते हैं कि भक्ति में हमको एक टेंडर हार्ट चाहिए, हमको एक कोमल हृदय चाहिए. बट वी नीड टू कवर दैट टेंडर हार्ट विद अ थिक स्किन. कोमल हृदय चाहिए पर हमको मोटा चमड़ा चाहिए. अगर सिर्फ कोमल हृदय रहेगा तो फिर क्या होगा, वो हृदय बार बार कट जाएगा दूसरे शब्दों से. पर सिर्फ मोटा चमड़ा रहेगा और कोमल हृदय रहेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, हम कार्य तो करेंगे, कार्य करते रहेंगे पर हमारे संबंध सारे खराब हो जाएंगे, हम भक्ति में वृद्धि नहीं करेंगे. तो दोनों हमको चाहिए, एक कोमल हृदय और थोड़ा मोटा चमड़ा. ओके ओके, कोई और सवाल है? यस नरेंद्र. ओके, कि अपने सेवा करते करने के लिए या करते हुए एक प्रकार स्वभाव हो जाता है और वो हर जगह पे आता है, तो फिर वो कैसे उसको नियंत्रित कर सकते हैं वो? तो एक तरह से है कि अभी ये स्वभाव, ये बड़ा, ये एक स्वभाव से अलग अलग लोग बड़ा बड़ा अलग अलग चीज़ों उनके मन में हो सकती है. कोई कहता है स्वभाव मतलब क्या, लोग जब बात करते हैं तो क्या इधर जोर से बात करते हैं, एक तरह से स्वभाव है. कुछ वक्त मिलते हैं तो उसका स्वभाव है कि जोर से पीठ पे मार रहा, कैसे हो तुम, एक स्वभाव कह सकते हैं. कोई व्यक्ति स्वभाव कहता है, स्वभाव मतलब क्या, गुस्सा हो गया तो चिल्लाना, ये एक स्वभाव हो सकता है. तो अभी स्वभाव में हम किस चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं वो देखना है. कुछ व्यक्ति तो अभी क्या है कि कुछ चीज़ें हम सब में ऐसे वो परिवर्तन करना मुश्किल होता है. तो अभी हमें सबको एक दूसरे के साथ साथ रह के सेवा करनी ही है, तो इसीलिए कुछ हद तक उस व्यक्ति को एडजस्ट करने का प्रयास करना होता है, कुछ हद तक दूसरे व्यक्ति को भी एडजस्ट करना होता है. तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है वो बदल नहीं सकती है, वो व्यक्ति प्रयास भी नहीं करेगा. मैं कल ही एक वक्त से बात कर रहा था, वो कहता कि ना आप इस तरह से बात करते हो तो लोग ऐसा सोच सकते हैं. तो वक्त सीधा बोला, लोग मेरे बारे क्या सोचते हैं, मैं उसकी परवाह ही नहीं करता. तो कि नहीं, पर आपको आपके बारे में सेवा में समस्या आ सकती है, जो समस्या आएगी मैं उसको देख लूँगा, पर मैं कुछ परवाह नहीं करता लोग मेरे बारे क्या सोचते हैं. ठीक है, अभी कुछ लोगों का वैसे स्वभाव होता है कि वो मुझे जो करना है मैं करने वाला हूँ. तो अभी ठीक है, फिर वो व्यक्ति उसी तरह से हो गए. तो फिर जो व्यक्ति उस प्रकार के, जो भक्त उस प्रकार के व्यक्तित्व को एक तरह से झेल सकते हैं वही उस व्यक्ति का सेवा करेंगे, उससे तो दूसरे व्यक्ति उसका सेवा नहीं कर पाएंगे. तो कैसे होता है कि ये मैनेजमेंट में भी, ये इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट भी होता है. मैं इंटेल में लेक्चर दिया तो उसके बाद में वो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वी वॉन्ट टू इन्वाइट यू टू आर मैवरिक्स क्लब. मतलब मैवरिक मतलब क्या होता है, मैवरिक मतलब कि जो लोग मैवरिक, उसको हम कह सकते हैं हमारे भाषा में अवधूत. वो भक्ति, जैसे हम भक्त में थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अवधूत भक्ति है पर उनकी वेशभूषा, उनका बातचीत, उनके रहन सहन कुछ अजीब ही होती है. तो कैसे होता है, कई कंपनीज में भी ऐसे लोग होते हैं कि एक बड़े बड़े कंपनीज में ऐसे लोग, नॉर्मली आप कंपनी में काम करते हो तो आपको टारगेट होता है, आपको ये प्रोजेक्ट है ये इस समय तक डेट कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है. पर कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और इतना टैलेंट, इतने उनमें प्रतिभा होती है कि उनको अगर नियमों में डाल दोगे, ठीक है आपको ये इस समय तक ये काम कंप्लीट करना है, इस समय काम कंप्लीट करना है,
तो वो उसमें पूरे पक जाएंगे, तो उनको पूरा नया आइडिया डेवलप करने का काम देते हैं। तो उनको ऐसा होता है कि अभी वो मैवरिक क्लब जो होता है वो थोड़ा एलीट क्लब होता है, किसी को भी डालेंगे नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग जो होते हैं अगर आपको कोई भी अकाउंटेबिलिटी दे कुछ काम ही नहीं करेंगे वो। पर ये ऐसे होते हैं कि आप हम अभी हमको हमारा कंपनी डेवलप कर रहे हैं, हम नया कुछ चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो उनको कोई बॉस नहीं होता है, उनको कोई डेडलाइन नहीं होता है, तुम जो नया आइडिया है नया आइडिया बनाओ। तो अभी मैं एक उदाहरण क्यों दे रहा हूँ ये कि ये लोग होते हैं वो शायद एक साल तक कुछ भी नहीं करेंगे वो, पर एक साल के बाद कुछ ऐसा अन्वेषण करेंगे कि पूरा इंडस्ट्री बदल जाएगा उससे। तो वो एक तरह से कंपनी को लगा एक साल तक मुझे इससे कुछ भी नहीं मिला, मैं इनको पैसे देते जा रहा हूँ पैसे दे रहा हूँ, क्या काम कर रहे हैं। पर वो जो बड़े कंपनी होते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे लिए गैम्बल है, पर इट इज़ कैलकुलेटेड गैम्बल, ये ऐसा है कि हाँ ये कुछ नहीं मिलेगा पर बहुत कुछ भी मिल सकता है। तो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि वो लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं तो, पर वो बहुत उनमें क्षमता होती है, पर वो एक टीम में काम नहीं कर सकते, एक किसी लीडर के अंडर काम नहीं कर सकते, बॉस के अंडर काम नहीं कर सकते, तो उनको वो जगह दी जाती है। तो मैं हम उससे मैं ये हमारे हमारे एक आध्यात्मिक नेता एक वरिष्ठ सन्यासी गुरु उनसे बात कर रहा था इसके बारे में, तो बताते हैं कि वो बता रहे थे कि टू गेट एम्पावर्ड डिवोटीज इज रेयर, कि कोई व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली हो, कोई व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली हो, बहुत कुछ करने की क्षमता हो, वैसा अगर कोई भक्त होता है, कोई मंदिर में आता है कोई भक्ति करता है, वैसे भक्त बहुत रेयर होते। पर न केवल किसी भक्त को सेवा करने के लिए एम्पावरमेंट लगता है, जो भक्त ऐसे एम्पावर्ड है उसको सेवा में लगाने के लिए लीडर को भी एम्पावरमेंट लगता है। इफ़ इट रिक्वायर वो कह रहे थे कि इट रिक्वा द लीडर रिक्वायर स्पेशल एम्पावरमेंट टू एंगेज एम्पावर्ड डिवोटीज। तो अगर वो नहीं है तो क्या है, जो नेता है बोले तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो उसमें ऐसे लगे भी सांस लेने की जगह भी नहीं है, तो वो उसमें पूरा घुटन होने लगेगी। तो मैं ये कहने का उद्देश्य रहा हूँ कि कुछ कुछ भक्त अगर वो सेवा अपनी सेवा अच्छी तरह से कर रहे हैं और दूसरों के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि उनका स्वभाव वैसे ही हो गया है, तो फिर ये जो लीडरशिप है उनकी ऐसी दक्षता होंगी उनको ऐसी सेवा दे कि वो अपनी सेवा करते रहे, तो दूसरों के भक्ति आते इतना उनका जमता नहीं है, ठीक है। तो क्या कि हमें किसी को भी भक्ति में हतोत्साहित नहीं करना है, डिस्करेज नहीं करना है। तो अगर एक भक्त का ऐसा बर्ताव है कि दूसरे द्वारा दूसरे लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, चोट हो जाता है, तो गुस्सा आता है, गलतफहमी होती, तो फिर हम दूसरे भक्तों को जो हो रहा है उसको उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं। पर उस भक्त का अगर वही स्वभाव और परिवर्तित नहीं होता है तो फिर उस भक्त को भी हमें हतोत्साहित नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, ऐसे तरह से कुछ विभाजन करना है कि वो अपनी सेवा करते रहे अपनी जगह में और दूसरे भक्त अपनी सेवा करते रहे। तो ये एक उसमें एक दक्षता लगती है कि कैसे अगर किसी व्यक्ति का अपना स्वभाव है तो उस स्वभाव के अनुसार ही वो कैसे सेवा कर सकता है। आंसर योर क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन बोलिए। Because of the modes, we are situated in, we struggle, especially Rajas and Tamas. So if we have to practice Nirguna, then we have to come to the mode of goodness. So because we have got a body which we are struggling, so how do we come to that? तो अभी हम सबको सत्वगुण में आके भक्ति करनी है, पर हम कैसे सत्वगुण में आ सकते हैं जबकि हमारा शरीर अभी तक जो शरीर मन जो है राजा रजस तमस में हो सकता है। नहीं, सत्वगुण में हम पूरा भी नहीं आएंगे तो भी अगर हम जो साधना अच्छी तरह करते हैं तो उससे कुछ हद तक सत्व आ जाता है हमारे जीवन में। एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय है सत्व रजस में है, वैश्य रजस में है, शूद्र तमस में है, पर ऐसे नहीं। अगर वो वर्णाश्रम में है तो शूद्र में भी कुछ सत्व है इसीलिए वो शूद्र के नियम का पालन कर रहा है, जो वैश्य है उनमें कुछ सत्व है इसलिए वो वैश्य के नियम का पालन कर रहा है, क्षत्रियो में कुछ सत्व है। उस तरह से जो कुछ चीज़ें हमारे बारे में धीरे धीरे परिवर्तित होगी, पर अगर हम जो राग द्वेष विमुक्त इस्तु विषयान इंद्रिय से आत्मवश्य विधेय आत्मा शास्त्रों के विधि के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो फिर हम
जो है एक तरह से सुरक्षित जगह पे है। इसीलिए शास्त्रों में भी शास्त्रों के नियम जो है क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक नहीं है, अलग अलग है। तो उस तरह से जो है जैसे भक्ति हम करते रहेंगे तो अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार की सुविधा देनी पड़ेगी कि आप इस ऐसी सेवा कर सकते हो, आप ऐसी सेवा कर सकते हो, क्या कि हर एक ऐसे हमें देखना नहीं है कि ये भक्त रजस में है, ये भक्त तमस में है, ये भक्त शूद्र है, ये भक्त वैश्य है। हमें देखना है कि सब भक्तों का सेवा में लगाना है और हर एक भक्त को किस तरह से वो सेवा करने के लिए क्या सुविधा दी जा सकती है उसका हमें वो भक्त खुद वो प्रयास कर सकता है और जो उसके मार्गदर्शक है वो भी प्रयास कर सकते हैं। इसके द्वारा जो सरजस तमस से ऊपर आना है एक तरह से साधना के द्वारा कुछ तो हमारा सत्व से कनेक्शन रहेगा, सत्व शुद्ध सत्व से, और फिर धीरे धीरे साधना शुद्धिकरण होकर हम सत्व की ओर आ भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद की।